रक्षा करते हुए हम सबके सब यहाँ पर उपस्थित हुए। कहते जैसे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जगत में आने का चार कारण है, उसमें कुछ साधा गौण कारण है, उसमें कुछ विशेष कारण है। कहते उसी तरह हम भी देखते हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद इस जगत में जो आए हैं उसमें भी कुछ गौण कारण है, कुछ मुख्य कारण है। महाप्रभु इस जगत में क्यों आए थे इसका साधारण कारण है, कलियुग धर्म है नाम संकीर्तन एतद अर्थ अवतीर्ण श्री सचिन। तो उसी तरह जैसे श्रीमान महाप्रभु जगत में ये हरिनाम संकीर्तन को प्रचार करने के लिए आए और उसी तरह श्रील प्रभुपाद भी जो महाप्रभु का भविष्यवाणी था पृथ्वी से आच्छजात नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार है वे मेरा नाम सुखी है या लोग मोर गर्व के तीर्थ, ये महाप्रभु का भविष्यवाणी है। इसलिए यद्यपि श्रीमान महाप्रभु जिसको द्वारा जितना धर्म स्थापन करना था उतना उन्होंने किए हैं, लेकिन अगर परिपूर्ण रूप में अगर देखा जाए संपूर्ण पृथ्वी में महाप्रभु का वाणी ये हरिनाम संकीर्तन को संपूर्ण रूप में किसने प्रचार किया है, अगर मुक्त प्रग्रह वृत्ति से देखा जाए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद ने ही ये संपूर्ण रूप में महाप्रभु का जो वाणी इन्हें प्रचार और उन्होंने प्रसार किया है। केवल इतना नहीं, कहते आचार करने के हो ना कर प्रचार और प्रचार करने के हो ना कर आचार, आचार प्रचार नामे करह द्विकार्य। अगर कोई जीवन में आचरण और प्रचार रूप में संपूर्ण रूप में किया है कौन है, श्रील भक्ति सिद्धांत श्री सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जिन्होंने सत करोड़ नाम यज्ञ उन्होंने किया है, तीन दिन में तीन तीन लाख उन्होंने हरिनाम उन्होंने संकीर्त हरिनाम किया है और हरिनाम करते हुए और संपूर्ण जगत में महाप्रभु का वाणी प्रचार किया। इतना नहीं, कहते फले न परिचय थे, एक वृक्ष की महत्व को हम कब समझते हैं फल पता, उसी तरह उन्होंने तो किया ही है लेकिन प्रभुपाद रूपी वृक्ष ने जो फल जो दिव्य फल आया है वो फल कोई साधारण फल नहीं। हम सुनते हैं ब्रह्मांड तारित शक्ति धरे जने जने, महाप्रभु का जो घन है एक एक व्यक्ति संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को तार सकते हैं। अगर किसी की शिष्यों का अंदर में दिखाई पड़ता है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद का शिष्य वर्ग को अंदर में दिखाई पड़ता है, जिसमें एक भक्ति वेदांत श्रील स्वामी महाराज एक हुए हैं, संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में उन्होंने महाप्रभु का वाणी को सर्वत्र प्रचार प्रसार किया। भक्ति दैत श्रील माधव गोस्वामी महाराज, मेरे गुरुदेव श्रील भक्ति स्वरूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज, भक्ति हृदय भद्र गोस्वामी महाराज, भक्ति रखक श्रीधर गोस्वामी महाराज, श्री हमारे जी भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज, भक्ति वैभव भक्ति प्रमद पुरी गोस्वामी महाराज, इनकी एक एक जीवन देखो एक एक जो दिव्य उसमें फल आया है, ये लोग कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। इसलिए जैसे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु हाँ कहते श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सपार सदस्यो धाम सहवते, जैसे श्रीमान महाप्रभु अकेले नहीं आए संपूर्ण धाम समेत उतार करके ले आए, फिर उसी तरह श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जो राधा रानी के भीतर नयन मंजरी मंजरी जब राधा रानी की निकुंज महल में राधा जी की सेवा में नियुक्त थे, स्वयं राधा रानी आदेश देते हैं नयन मणि मंजरी जाओ ये दुनिया में हरि भक्ति धीरे 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 आओ लो बाओ लो नेड़ा नेड़ी दरवेसाई साथी सखी भेती जितने तरह का अब संप्रदाय से धीरे धीरे महाप्रभु का शुद्ध धर्म धीरे धीरे जगत में लुप्त तो होते जा रहे हैं, तुम जाओ जा करके जीवों को उद्धार करो और अकेले मत जाओ अकेले मत जाओ तुम्हारे अपना परिकरों को लेकर आ जाओ। उसी तरह प्रभुपाद जब आए वो अकेले नहीं आए, प्रभुपाद संपूर्ण अपना परिकरों को लेकर के आए। जैसे श्रीमान महाप्रभु एक एक भक्त को द्वारा किसको द्वारा सिद्धांत स्थापन किए, किसको द्वारा रस स्थापन किए, किसको द्वारा संबंध तत्व को स्थापन किए, किसी को द्वारा हरिनाम को प्रचार किए,
उसी तरह प्रभुपाद का कहना है भी ऐसे ऐसे धुरंधर विद्वान थे, ऐसे ऐसे धुरंधर विद्वान थे प्रभुपाद का गण में, उन्होंने एक एक शिष्यों को देकर के सर्वत्र प्रचार और प्रसार किया। कहते ये महाप्रभु आने का पहला कारण प्रभुपाद वो चीज को पूरी किए। दूसरा कारण है महाप्रभु, दूसरा कारण में जो आए अनर्पित चरिंचिरात करुणयावतीर्ण कलो समर्पित उन्नत उज्जवल रसा सौभक्ति श्री। महाप्रभु जगत में क्यों आए? कहते ब्रह्मा का एक दिन में एक बार आकर के जो प्रेम को बड़े दिन पहले दिया था और जो दुर्लभ प्रेम को राधा रानी की निकुंज सेवा को जो प्रदान किए, कहते उसी तरह प्रभुपाद भी वही चीज को देने के लिए आए थे। इसलिए प्रभुपाद स्वयं कहते हैं मैं तो जंगल काटते काटते जो चीज को देने के लिए मैंने आया था वो चीज तो दे ही नहीं पाया, मैं तो कल जंगल में जंगल काटते 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 मेरे जीवन चला गया। किंतु देना चाहता था वो दुर्लभ प्रेम को, अभी जंगल साफ सुथरा हो तभी तो वो प्रेम को दे सकते हैं प्रभुपाद जी, लेकिन उन्होंने दिया। इसलिए मेरे गुरुपाद वचन कहते हैं प्रभुपाद की दो स्वरूप उनको दिखाई पड़ा है। कहते जो अनर्थग्रस्त जीव है उनको किस रूप में देखे? कहते उनको देखे नामयो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नाम। जो साधारण भक्त थे उसी समय प्रभुपाद जैसे विद्वान ये जगत में कोई नहीं थे। जो ज्योतिष विभाग का जो सर्वश्रेष्ठ पद, जो उनको प्रिंसिपल का पद इनको दी जा रही थी, लेकिन प्रभुपाद ने कहा मैंने तारा ईट पत्थर गिरने नहीं आया, मैं तो महाप्रभु का एक पियन हूँ, जगत में महाप्रभु का शुद्ध धर्म को मैंने स्थापना करने के लिए आया हूँ। लेकिन वो पोस्ट को बल बल जब तक तुम रहोगे तब तक ये पोस्ट में कोई नहीं बैठ सकते, पोस्ट खाली रखा। इसलिए तथा कथित विद्वान लोग मिल करके इनको भक्ति सिद्धांत और सरस्वती उपाधि में इनको विभूषित की गई है। इनकी बराबर जगत में इतने बड़े विद्वान कोई नहीं थे। कहते साधारण जगत के लिए तो देखा बड़े विद्वान है, लेकिन मेरे गुरु जी कहते हैं जो अंतरंग जन है प्रभुपाद का, उनको पास में प्रभुपाद का असली स्वरूप प्रकट हुआ है। वो असली स्वरूप क्या है? बोले वृषभानो सुता दैतानो चरम चरणाश्री तरेणो रास्ता महम महदाद भूत पा बना शक्ति पदम प्रणमामि सदा प्रभु पाद पदम। अंतरंग पक्ष में गुरुदेव कहते हैं वृषभान सुता दैतान चरम। इसी रूप में श्री भार्गवी देवी दैताय त्रिपाद भय। इसलिए राधा रानी के भी तीन स्वरूप है, एक संजोगिनी, एक वियोगिनी और एक वृषभानुरंजनी। कहते वृषभानुरंजनी जो कभी वृंदावन छोड़कर कभी जाती नहीं, उनकी अत्यंत अत्यंत प्रिय है राधा रानी के नयन मणि मंजरी। इसलिए महाप्रभु जिस काम के लिए जगत में आए थे प्रभुपाद भी वही अनर्पित वही ब्रज भक्ति वही राधा रानी के निकुंज की सेवा देने के लिए आए थे। क्या जो तीसरा जो कारण है महाप्रभु आने का, जैसे श्री अद्वैत आचार्य ने गंगा जल तुलस देकर के उन्होंने महाप्रभु को उन्होंने आह्वान किया है, ठीक उसी तरह जब श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने देखा जगत में कैसे अपधर्म छा रहे हैं, उन्होंने बहुत ग्रंथों को प्रकाशित किया, पहले ग्रंथों को कौन प्रचार करेगा, इसलिए उन्होंने श्री विमला देवी को पास में प्रार्थना किया। तो श्री विमला देवी हैं, इनकी कृपा से जगन्नाथ जी की शक्ति उनकी कृपा से इसका नाम हुआ विमला प्रसाद नाम हुआ है। जो चौथा जो कारण था है महाप्रभु जगत में जो असली जो कारण है क्या है? राधा या प्रणव महिमा के दर्शन। इसलिए नए नए मणि मंदिर रूप में उन्होंने विशेष करके अपना रस आस्वादन किए। इसलिए विशेष करके प्रभुपाद का एक विशेष देन है, वो देन वह है अभी तक जितने हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज कहते थे अभी तक जगत में जितने आचार्य आए हैं एक तराजू लेकर के उनके अवदान को तराजू का एक तरफ में रख दो, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद का जो देन अवदान अगर भजन को तराजू का दूसरे तरफ में रखोगे तो उनकी पल्ला भारी देखने को मिले।
मतलब इतने बड़ी बात उन्होंने बताई। मतलब ऐसे आचार्य जगत में कोई नहीं हुए हैं अभी तक जो प्रचार किया कहीं एक कोने में एक देश में, लेकिन इस संपूर्ण विश्वव्यापी जो भक्ति विनोद ठाकुर का जो भविष्यवाणी था, एक दिन ऐसे आएगा ताले और गोरे एक साथ में मिल करके निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। ये चीज को किसने सार्थक किया है? केवल श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद। अभी तक जितने आचार्य आए, और एक मिनट, जितने आचार्य आए आप लोग देखना, किसने एक शिष्य बनाया, किसने एक आध कोई शिष्य बनाया, और जो शिष्य बनाया केवल अधिकार को देख करके और किसी को नहीं। लेकिन हम लोग जैसे दीनहीन पति जो पूरी श्री कीट है इसे मुहि से लधिष्ट, जो हम लोग इतने जो निकृष्ट व्यक्तियों को जिनकी भक्ति में कोई भी अधिकार नहीं, अगर ऐसे अनधिकार व्यक्ति को अगर कोई अधिकार दे करके हरिनाम दे करके कल्याण किया तो किसने किया कल्याण है हमारी? केवल श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद ही किए हैं। क्यों? वो राधारानी की नयन मई मंजरी है, राधारानी अत्यंत करुणामयी है, वो करुणा की मूर्तिमान स्वरूप श्रीला प्रभुपाद है। इसलिए अगर हमें कोई भक्ति में अधिकार दिया तो केवल प्रभुपाद ने ही हमें अधिकार दिया। अगर वो महापुरुष नहीं आते, एक संत कह रहे थे अभी तक ये पृथ्वी जिंदा नहीं रहता। पृथ्वी क्यों जगत में है? इसलिए भगवान जगत में पृथ्वी को रखे। अभी चूंकि कुछ लोग भजन कर रहे हैं, लेकिन जो भजन नहीं करेंगे ना, हर देश में एटम बम बना करके रखे हैं, वो एक दिन जरूर गिरेगा। लेकिन कब तब गिरेगा? जब ये प्रभुपाद अगर जगत में नहीं आते, वो कहते थे अभी तक ये पृथ्वी समाप्त हो जाती, ये पृथ्वी नहीं रहता। इसलिए आप इनके चरण में हम सबके सब ऋणी, ये महापुरुष हम सबके ऊपर मैं कृपा करती हूँ। हम उनके बेटे के बेटे हैं। बेटे के बेटा क्या लगते हैं? पोते। इसलिए पोते के ऊपर में दादा का विशेष कृपा रहता है, इसलिए हम बेटे के बेटे हैं। इसलिए हम सबके ऊपर प्रभुपाद का कृपा रहेगा, सबके ऊपर आशीर्वाद प्रभुपाद करे। जैसे सारा जीवन गुरु वैष्णव के अनुगत में रहते हुए हम जीवन को भक्तिमय बना सके, यही उनके चरण में प्रार्थना। पंचागल कृपा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जय हो प्रभुपाद। जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की। हमारे भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी ने भी बड़े अद्भुत दिव्य प्रभुपाद जी की पुनः महिमा की किस प्रकार से